अरे दोस्तों, सपागीजा क्रिकेट लीग T20 का जो मैच रहने वाला है, मिस आइनक नाइट वर्सेस बंदे आमिर ड्रैगन के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है। इस मैच के बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस जो रही थी वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। उसके हिसाब से अगर आप ड्रीम इलेवन की टीम करोगे इस मैच के अंदर, तो आपकी प्रॉफिट इस मैच के अंदर नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों दो मैचेस जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं, हालांकि वो लास्ट मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन हर मैच के अंदर ऐसा नहीं रहने वाला दोस्तों, क्योंकि जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको एक मैच में नहीं तो दूसरे मैच के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, इस मैच के A to Z प्लेयर्स का हम यहाँ पे रिकॉर्ड कवर करने वाले हैं, तो आपको दोस्तों इस मैच के अंदर ड्रीम इलेवन टीम बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस मैच के अंदर रहने वाली है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनके जो कुछ रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीमें क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिस आइनक नाइट के बारे में बात करें, तो इनका जो लास्ट मैच की जो बैटिंग लाइनअप रही थी, मोहम्मद शहजाद ने दोस्तों लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग की थी। लास्ट मैच के अंदर मात्र 1 रन बना के ये जल्दी ही आउट हो गए थे। सादिक अत्तल के बारे में बात करें दोस्तों, ये भी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। 21 मैच के अंदर 501 4 रन इनके नाम रहे। लास्ट मैच में 9 रन बना के जल्दी ये भी आउट हो गए थे। रियाज हसन के बारे में बात करें दोस्तों, ये कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। 28 मैच के अंदर 857 रन इनके नाम रहे। लास्ट मैच के अंदर भी मैंने इनको बताया था कि इनको अपनी टीम के अंदर जरूर रखिएगा। रियाज हसन दोस्तों 37 रन बनाए थे लास्ट मैच के अंदर, 32 बॉल इन्होंने खेली थी। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा अभी तक रहा है। असगर अफगान की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में डक पर ये आउट हो गए थे। 25 मैच के अंदर 716 रन इनके नाम रहे हैं। इफ्तिकार अहमद की बात करें दोस्तों, इनका एक ही मैच का रिकॉर्ड अभी तक मुझे मिला है, जो कि लास्ट मैच रहा था। 1 मैच के अंदर 55 रन इनके नाम रहे हैं। बाकी लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर भी इन्होंने किया था। इनका पूरा रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला दोस्तों, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेटें करवा दूंगा। गुलबुद्दीन नाइब के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी। 12 रन इन्होंने बनाए थे, लेकिन इन्होंने विकेट भी उस मैच के अंदर लास्ट मैच में निकाले थे दोस्तों। अगर एक विकेट इनके नाम रहा था, 3 ओवर इन्होंने किए थे, 19 रन दे के 1 विकेट इनके नाम रहा था। 23 मैच के अंदर 102 रन और 21 विकेट अभी तक इनके नाम रहे हैं। अल्लानूर नसेरी की बारे में बात करें दोस्तों, 46 मैच के अंदर 1512 रन इनके नाम रहे। हालांकि दोस्तों ये ओपनर हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा लो ऑर्डर के अंदर खिलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली जितने भी मैचेज हुए हैं, हर मैच के अंदर ये ओपनिंग करते थे। दोस्तों लास्ट मैच के अंदर इनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 4 बॉल इनको खेलने को मिली थी। 4 बॉल के अंदर 4 रन इन्होंने लास्ट मैच के अंदर बनाए थे। गलाई फार खान के बारे में बात करूँ दोस्तों, ये आपको ऑलराउंडर ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। 27 मैच के अंदर 198 रन, 39 विकेट इनके नाम रहे हैं। जाहिर खान ने को लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट मिला था। 10 मैच के अंदर अभी तक इनके नाम 10 विकेट अभी तक रहे हैं। अमीर आजमा ओतक के बारे में बात करूँ दोस्तों, ये इनके टीम के कैप्टन रहने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर 27 अभी तक दोस्तों 27 मैच के अंदर 515 रन और 25 विकेट इनके नाम रहे हैं। भाई दोस्तों लास्ट मैच की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 4 ओवर किए थे, 32 रन भी इन्होंने खर्च किए थे। दोस्तों लास्ट मैच के अंदर मीर आजमा खेले थे, जो कि ड्रीम इलेवन टीम के अंदर नहीं थे। 3.4 ओवर किए दोस्तों, 26 रन इन्होंने खर्च किए थे। दोस्तों ये पाकिस्तानी प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा T20 ये खेल चुके हैं। 38 मैच के अंदर 32 विकेट अभी तक इनके नाम रहे। पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर ये बॉलिंग करते हैं। स्टार्टिंग के पावर प्ले के अंदर दोस्तों ये 2 ओवर करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, उनके अंदर भी कुछ की प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों, उनको भी आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं। बिलाल शामी की बात करें, 15 मैच के अंदर 20 विकेट इनके नाम रहे हैं। शामी उल्ला तोता खेलने 8 मैच के अंदर 10 विकेट अभी तक निकाले हुए हैं। बख्तार अत्तल ने 12 मैच के अंदर 20 विकेट निकाले हैं। वहीं पर खालिद जैदी दोस्तों, ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। 6 मैच के अंदर 164 रन अभी तक इन्होंने बनाए हुए हैं। फिजल दोस्तों ये ऑलराउंडर रहने वाले हैं। 16 मैच के अंदर 210 रन और 18 विकेट इनके नाम रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर राशिद तोताखेल भी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। 5 मैच के अंदर 188 रन इनके नाम रहे हैं। तारिक स्टंगजाई की बात करें दोस्तों, 22 मैच के अंदर 357 रन, 20 विकेट इनके नाम रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बंदे आमिर ड्रैगन की बात करें, तो यहाँ पे लास्ट मैच की जो इनकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। लास्ट मैच के अंदर बहुत ख़राब इनकी परफॉर्मेंस रही थी। 120 के ऊपर ये ऑल आउट हो गए थे लास्ट मैच के अंदर। इमरान मीर की बात करें दोस्तों, ये भी अच्छी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। 11 मैच के अंदर 310 रन अभी तक ये बना चुके हैं। ओपनिंग ये करने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों ये जल्दी आउट हो गए थे, मात्र 6 रन इन्होंने बनाए थे। नवीद ओबैद के बारे में देखें दोस्तों, 17 मैच के अंदर 464 रन अभी तक ये बना चुके हैं। लास्ट मैच में 27 रन इन्होंने बनाए थे। करीम जन्नत दोस्तों नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, बैटिंग और बॉलिंग ये दोनों करने वाले हैं। लास्ट मैच में 6 रन जरूर इन्होंने बनाए थे, लेकिन 2 विकेट भी इन्होंने लास्ट मैच के अंदर निकाले थे। फर्मुला साफी दोस्तों इनके
ऑलराउंडर रहने वाले हैं। 31 मैच के अंदर 670 रन, 85 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। लास्ट मैच में भी दोस्तों इन्होंने 32 रन की पारी खेली थी और सबसे ज़्यादा रन लास्ट मैच के अंदर इन्हीं के नाम रहे थे, 32 रन जो इन्होंने बनाए थे। इकरम अखिल की बात करें दोस्तों, ये विकेट कीपर रहने वाले हैं। लास्ट मैच में 6 रन इन्होंने बनाए थे, नंबर 5 के ऊपर ये खेलते हैं। सादिक पाचा की बात करें दोस्तों, 39 मैच के अंदर 978 रन इनके नाम रहे, लास्ट मैच में मात्र 2 रन बना के ये आउट हो गए थे। हालांकि दोस्तों ये भी थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, लेकिन इनको लास्ट मैच के अंदर नंबर 6 के ऊपर इनको बैटिंग करनी पड़ी थी। इरफानुल्ला साफी की बात करें दोस्तों, ये भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। 8 मैच के अंदर 213 रन, 8 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर भी इन्होंने 24 रन बनाए थे। बाकी दोस्तों इन्होंने बॉलिंग भी की थी और उस ओवर के अंदर मैच भी फिनिश हो गया था, 0.2 ही ओवर इनको करने को मिले थे। आफ्ताब आलम दोस्तों इनके की बॉलर रहने वाले हैं। 11 मैच के अंदर अभी तक 11 विकेट ये निकाल चुके हैं। लास्ट मैच में इनको मार बहुत पड़ी थी, 2 ओवर किए थे, तकरीबन 27 रन इन्होंने खर्च किए थे। नूर अहमद की बात करें, 20 मैच के अंदर 28 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर बात करें दोस्तों इन्होंने 2 ओवर किए थे, इन्होंने भी 18 रन खर्च किए थे लास्ट मैच के अंदर। नासिर तोताखेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये अभी अच्छे बॉलर रहने वाले हैं। 32 मैच के अंदर 212 रन और 41 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। लास्ट मैच में भी 2 विकेट इन्होंने निकाले थे दोस्तों। मैंने भी इनको ड्रीम इलेवन टीम के अंदर लेने के लिए कहा था, लास्ट मैच के अंदर भी इनका जो रिकॉर्ड रहा था वो मैंने प्रोवाइड करवाया था लास्ट मैच में भी। निजात मसूद ने 20 मैच के अंदर 25 विकेट निकाले, लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 ओवर किए थे, 14 रन इन्होंने खर्च किए थे दोस्तों। ये पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर ये बॉलिंग करते हैं। बाकी दोस्तों जो इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं उनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। आसिफ मुसादाई की बात करें, 28 मैच के अंदर 1078 रन इनके नाम रहे, ये दोस्तों ओपनर रहने वाले हैं, अगर ये खेलेंगे तो ओपनिंग ही करने वाले हैं। अब्दुल बाकी के देखें तो दोस्तों 11 मैच के अंदर 19 विकेट इनके नाम रहे हैं। भक्तुल्ला की बात करें, 4 मैच के अंदर 105 रन। जावेद सैयदी के बारे में देखें दोस्तों, 1 मैच में 3 विकेट इनके नाम रहे, यही भी 3 विकेट दोस्तों इन्होंने प्रैक्टिस मैच के अंदर लिए थे, बाकी इनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। मोहब्बत मोहम्मद के बारे में बात करें, 22 मैच में 24 विकेट इनके नाम रहे हैं। सुलेमान अरबजाई ने 6 मैच में 322 रन अभी तक बनाए हैं दोस्तों। ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, अगर ये खेलेंगे तो आप इनको पिक पिक कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। बाकी दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद सजाद दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा रहने वाला है। वहीं पर इकरम अखिल की बात करें दोस्तों, जो ये थोड़ा सा 5-6 नंबर के ऊपर खेलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की रहने वाला है, तो मोहम्मद सजाद थोड़ा सा यहाँ पे बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों विकेट कीपिंग की ऑप्शन के लिए। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रियाज हसन ओपनिंग करेंगे दोस्तों। लास्ट मैच के अंदर भी इन्होंने ओपनिंग की थी और अच्छी पारी इन्होंने खेली थी दोस्तों। नंबर 3 के ऊपर ये खेलने वाले हैं, 37 रन इन्होंने बनाए थे लास्ट मैच के अंदर। एन ओबेद ओपनिंग करेंगे दोस्तों, इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर 27 रन की पारी खेली थी, ये भी अच्छी ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। बाकी इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन ओपनिंग करने वाले दोस्तों तो पावर प्ले के अंदर अच्छे चांसेस रहने वाले हैं, अच्छा खासा आपको स्कोर करके वहाँ पर दे सकते हैं। असगर अफगान लास्ट मैच में डक पर आउट हो गए थे, हो सकता है इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस इनकी निकल जाए दोस्तों। तकरीबन 30 की इनकी एवरेज रही है डोमेस्टिक T20 के अंदर। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी रहने वाले हैं। एस अत्तल की बात करें दोस्तों, ये भी ओपनिंग करने वाले, लास्ट मैच के अंदर जल्दी ये आउट हो गए थे, लेकिन इनकी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट मैच में मात्र 9 रन बना के ये आउट हो गए थे। आई मीर की बात करें दोस्तों, ये भी ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने भी 6 रन बनाए थे। इमरान मीर दोस्तों इनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा नहीं रहा है अभी तक, तो जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं उनके अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है, तकरीबन 20-22 की एवरेज इनकी आ रही है। सादिक पाचा दोस्तों ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर रहते हैं, लेकिन इनको नंबर 7 के ऊपर लास्ट मैच में खिलाया गया था, मात्र 4 बॉल इनको खेलने को मिली थी। इनका भी 39 मैच के अंदर तकरीबन 850 के आसपास रन इन्होंने अभी तक। बाकी जो दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें, करीम जन्नत दोस्तों आपको नंबर 3 के ऊपर खेलने वाले हैं, साथ में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले, क्योंकि नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, साथ में आपको 4 ओवर भी करके देने वाले। लास्ट मैच में भी दोस्तों नंबर 3 के ऊपर खेले थे, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे। अच्छे प्लेयर रहने वाले दोस्तों, प्रैक्टिस मैच के अंदर इन्होंने 50 भी लगाई थी, अभी जो सेकेंड लास्ट मैच अभी रहा था उसी मैच के अंदर, और दोस्तों साथ में आपको पूरे 4 ओवर करके देने वाले। लास्ट मैच में 2 विकेट भी इन्होंने निकाले थे। गुलबदीन नाइब की बात में बात करें दोस्तों, थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर खेलते हैं ये, हालांकि ये दोस्तों ये भी आपको पूरे 4 ओवर करके दे सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर इनके पूरे 4 ओवर नहीं हुए थे। लास्ट मैच में 3 ओवर किए दोस्तों, 19 रन दे के 1 विकेट इनके नाम रहा था। इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर ये खेलते हैं। फरमुल्ला साफी की बात करें दोस्तों, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है, इन्होंने भी दोस्तों हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस इनकी रहती है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर
नंबर 4 के ऊपर ये खेले थे, 32 रन इन्होंने बनाए थे दोस्तों। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, लास्ट मैच में 2 ओवर इनको करने को मिले थे, 16 रन इन्होंने दिए थे 2 ओवर के अंदर। बाकी दोस्तों यहाँ पे इफ्तिकार अहमद का अगर रिकॉर्ड मुझे मिलेगा दोस्तों, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप यहाँ पे पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। लास्ट मैच का ही अगर इनका रिकॉर्ड देख के अगर पिक करना होता तो मैं यहाँ पे पिक कर लेता, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के मैं यहाँ पे पिक नहीं कर सकता। हो सकता है दोस्तों इतना अच्छा रिकॉर्ड ना हो, लास्ट मैच के अंदर ही चलाओ तो इस मैच को ये ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एन खरोटे थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, और इनका रिकॉर्ड भी शानदार आया दोस्तों, पूरे के पूरे 4 ओवर ये करने वाले हैं। तकरीबन दोस्तों 28 मैच के अंदर 41 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं, और पूरे 4 ओवर ये करने वाले, लास्ट मैच के अंदर 3 ओवर इनको करने को मिले थे। आई साफ़ी की बात करूँ दोस्तों, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा रहा है, लास्ट मैच में 2 ही 1 ओवर मिला था दोस्तों उसका, उसको भी पूरा नहीं होने दिया, उससे पहले भी मैच फिनिश हो गया था। लेकिन बैटिंग में भी अच्छी खासी ये हिटिंग कर लेते, लास्ट मैच में 24 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी दोस्तों यहाँ पे यासिर खान भी अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं, इनका रिकॉर्ड भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, जाहिर खान पूरे 4 ओवर करेंगे, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट भी इन्होंने निकाला था। एन तोताखेल के बारे में लास्ट मैच के अंदर भी मैंने बताया था, तो दोस्तों लास्ट मैच के अंदर ये 2 विकेट निकाल गए थे, 3 ओवर इनको करने को मिले थे, 4 ओवर करते तो एक आधा विकेट वहाँ पर और भी निकल सकता था। यहाँ पर दोस्तों एक जो प्लेयर्स रहने वाले हैं उनका रिकॉर्ड अगर बात करें, तो यहाँ पे मीर आजमा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तानी प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों, इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहने वाला T20 का। पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर ये बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच खेले थे लेकिन ड्रीम इलेवन के अंदर नहीं थे, अभी लास्ट मैच के अंदर ही इनको, लास्ट मैच के बाद में ही इनको ऐड किया गया है। नूर अहमद की बात करें दोस्तों, इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे बेटर रहा है, 20 मैच के अंदर 28 विकेट इनके नाम रहे हैं, वहीं पर आफ्ताब आलम ने 11 मैच के अंदर 11 विकेट निकाले हुए हैं। बाकी दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों मीर आजमा को आप यहाँ पे पिक करते हैं, ये भी अच्छी ऑप्शन रहेगी दोस्तों, पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर विकेट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखें तो यहाँ पे करीम जन्नत तो थोड़ा सा सेफली ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला दोस्तों, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर खेले हैं, साथ में आपको पूरी 4 ओवर भी आपको ये करके देने वाले हैं। वॉइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मोहम्मद सदादा थोड़ा सा रिस्की जरूर रहने वाला दोस्तों, लेकिन अटैकिंग प्लेयर है, अगर ये थोड़ा तो बहुत रुक कर खेल गए, 20-25 बॉल अगर खेल गए तो अच्छा खासा आपको स्कोर करके दे सकते हैं, अच्छी खासी आपको लीड भी मिल सकती है ग्रैंड लीग के अंदर। बाकी दोस्तों गुलबुद्दीन नईब थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, लेकिन ये भी 4 ओवर करने वाले हैं, वॉइस कैप्टन आप इनको भी रख सकते हैं। एन खरोते की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन 28 मैच के अंदर 41 विकेट इनके नाम रहे हैं, थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, वो बैटिंग से आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं दे सकते, लेकिन बॉलिंग से पूरी चांसेस रहने वाली है कि आपको ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के इस मैच के अंदर दे सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों, कोई भी न्यू प्लेयर आता है उसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा।